गया है। अधिकारियों के अलावा नेताओं के नामों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है। टेक्सटाइल, रोड कंस्ट्रक्शन और सीमेंट उद्योगपतियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट में अफसरों के साथ 50 से ज्यादा नेताओं के नाम और कमलनाथ सरकार के समय आयकर छापों के दस्तावेजों में लेन देन करने वाले बड़े चेहरों का खुलासा होने की उम्मीद है। तो महत्वपूर्ण खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट का सियासी कनेक्शन अब मिल गया है और कई बड़े नाम नेताओं के इसमें सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जी का करते हैं। आशीष जी, अपडेट क्या मिल पा रहा है इस मामले में? कई बड़े नेताओं के नाम भी अधिकारियों के अलावा इसमें सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जो अप्रैल 2019 में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी, एक साथ 52 स्थानों पर 52 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जो निकल कर सामने आए तथ्य, उसके आधार पर इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी थी और चुनाव आयोग ने की तरफ से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी, एक राज्य पुलिस सेवा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी और अब इसका सियासी कनेक्शन यहाँ पर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसमें बिल्कुल साफ है, क्योंकि अनादि टीवी ने पहले ही इस खबर के जरिए जिक्र किया था कि चाहे पोषण आहार का मामला हो या ऐसे दूसरे नगरीय विकास से संबंधित मामले हों, इसमें सियासी कनेक्शन निकल सकता है और वही बात निकलकर अब सामने आ रही है। हालांकि इसमें तत्कालीन कमलनाथ सरकार में कुछ ऐसे भी मंत्री थे जो फिलहाल बीजेपी में आ गए हैं, इनके अलावा कई और विधायक और नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। आईपीएस अफसरों के साथ जो नाम सौंपे गए हैं कागज में, उसमें 50 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में इस जो पूरा का पूरा ये प्रकरण है, इसमें अब देखना होगा कि किस तरह से सियासी कनेक्शन और निकलकर सामने आता है। जो उस समय सरकार में, तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, आज बीजेपी में शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, ऐसे प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो ये तमाम बातें हैं जो अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार 3 आईपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कब तक करती है और उसके बाद आगे सरकार की तरफ से क्या रुख देखने को मिलता है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कल मीडिया से बातचीत में कहा था कि अप्रेजल रिपोर्ट आ गई है और बयान लगातार उनकी तरफ से दिया गया था, तंज कसा गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासी कनेक्शन देखने को मिल रहा है। कई बड़े नेताओं के नाम अधिकारियों के अलावा सामने आ रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये वक्त के साथ पता चलता है।